नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आपके साथ ऋचा सिंह। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है और एग्जिट पोल्स ने राजनीति के मैदान में दिलचस्प तस्वीर पेश की है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है, तो कई सर्वों में इंडिया गठबंधन को सत्ता में वापसी करते हुए दिखाया गया है, जबकि कई एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त मिलती नजर भी आ रही है। आपको बता दें कि एग्जिट पोल्स की बात करें तो ज्यादातर एग्जिट पोल के अनुसार झारखंड में इंडिया गठबंधन को 49 से 59 सीटें मिल सकती हैं, यानी जो बहुमत के लिए जरूरी 42 सीटों से कहीं ज्यादा है। वहीं एनडीए को 17 से 39 सीटें मिल सकती है। इसका मतलब है कि जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी और माले का गठबंधन आसानी से सरकार बना सकता है और ये आंकड़ा 2/3 तक भी पहुंच सकता है। इस बीच राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बीजेपी के लिए स्थानीय नेताओं को दरकिनार करना महंगा साबित हो सकता है। झारखंड चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने स्थानीय नेताओं को किनारे करते हुए जिम्मेदारी दो वरिष्ठ नेताओं शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा को सौंप दी। इन दोनों नेताओं ने झारखंड में पार्टी की रणनीति और प्रचार की पूरी कमान संभाली। बीजेपी ने चुनाव से पहले कई बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल किया, जैसे जेएमएम के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और कांग्रेस के नेता मंजू देवी। इन फैसलों के बाद राज्य के स्थानीय नेताओं को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन पार्टी के अनुशासन और चुनावी रणनीति के कारण किसी ने इसका विरोध नहीं किया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने अधिक हिमंत बिस्वा शर्मा का झारखंड में पार्टी के अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू हुआ, जिसका खामियाजा रिजल्ट में उठाना पड़ सकता है। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे कभी सही तो कभी गलत साबित होते ही हैं, ये केवल अनुमान होता है। 2024 लोकसभा चुनाव में लगभग सभी एग्जिट पोल के अनुमान गलत साबित हुए थे। एग्जिट पोल में भाजपा के अकेले दम पर स्पष्ट बहुमत का अनुमान जताया गया था, हालांकि नतीजे उल्टे थे, जबकि एनडीए देश में सरकार बनाने में सफल रही। लेकिन एनडीए गठबंधन को केवल 292 सीटें मिली थी, वहीं एनडीए गठबंधन ने 232 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हरियाणा में भी लगभग सभी एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे, इसलिए झारखंड किसकी बनेगी सरकार और कौन होगा चारों खाने चित, इसका फैसला 23 नवंबर को ही होगा। फिलहाल के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।